मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई गुरु बहनों में को, आवाज आ रही है। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव की परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग महायोग, जिसको हम कहते हैं, उसके मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ये गुरुदेव का इस मंच पे हम जो है गुरुदेव के इस बहुमूल्य प्रसाद का सत्संग करते हैं, जिसको कि हम सिद्ध योग कहते हैं, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये अपने आप में पूर्णता लिए हुए है, यानी कि इसमें सब कुछ समाहित है। इस योग में, योग का मीनिंग केवल फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, शारीरिक कसरत से योग का कोई मीनिंग नहीं है। योग तो हमको उस परम सत्ता से जोड़ता है जिसकी हमें जीवन भर तलाश रहती है। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डेवलपमेंट की वस्तु है, और ये हमको गुरुदेव ने बड़ी सहज और सरल साधना से प्रदान कर दिया है। ये प्रसाद हम गुरुदेव के समक्ष, उनकी फोटो के समक्ष बैठते हैं और उनकी श्री मुख से उस दिव्य मंत्र को, संजीवनी मंत्र को सुनते हैं। वो जैसे ही हमारे कानों में जाता है संजीवनी मंत्र, हम दीक्षित हो जाते हैं, और उसके बाद हमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम के लिए ध्यान करना होता है। और जो संजीवनी मंत्र, दिव्य मंत्र हमें गुरुदेव प्रदान करते हैं, उसका हमें 24 घंटे निरंतर जाप करना है, मानसिक जप करना है, राउंड द क्लॉक मेंटल चैंटिंग करनी है। यानी कि हमको उस मंत्र को, उस संजीवनी, उस पावरफुल मंत्र को केवल सोचना है, जैसे कि हम मैगजीन और बुक्स पढ़ते हैं। बस इतनी सी छोटी सी साधना है। हमारी ड्यूटी केवल यही दो है कि हमें मंत्र जाप बहुत सघन करना है, जैसा कि गुरुदेव फरमाते हैं कि तेल की धार चेन की, तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह हमें इस मंत्र को जपना है। इससे हमें पता चलता है, कहने से ही इस सेंटेंस से पता चलता है कि हमें नॉन स्टॉप 24 घंटे उसको सोचना है। आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, इस मंत्र को सोचते रहिए, खाते पीते सोते जागते, इवन आप वॉशरूम में हो तो भी इस मंत्र को आप जपते रहिए। ध्यान हमें दो टाइम करना है 15-15 मिनट के लिए, और ध्यान में बस एक चीज याद रखनी है ध्यान मेडिटेशन करते समय, कि हमें खाली पेट रहना है, हल्के पेट रहना है, क्योंकि जैसे ही ये मंत्र हमारे अंदर जाता है, वो जो डिवाइन पावर हमारे अंदर है, यानी कुंडलिनी शक्ति, जो कुंडलिनी माता हमारे अंदर है, वो गुरुदेव की वाणी को सुनते ही, ईश्वर की वाणी को सुनते ही एक्टिव हो जाती है और हमारी बॉडी को स्कैन करने लगती है। स्कैन के दौरान यौगिक मोमेंट्स होते हैं, यौगिक मोमेंट्स के दौरान हो सकता है कि कभी हम भरे पेट हो तो वॉमिटिंग भी हो जाए, इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि हमें खाली पेट ही दो टाइम ध्यान करना है। शाम को आप खाने से पहले 3-4 घंटे से पहले ही ध्यान कर लें रात को, और मॉर्निंग में आपको जिस टाइम भी सुविधा हो उस टाइम आप इस ध्यान को करें। इस ध्यान को में बैठते समय आपको कोई ना आसन देखना है, आप जितनी भी रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं बैठे, कहीं भी बैठे, फ्लोर पे बैठे, जमीन पे बैठे, या बेड पे बैठे, चेयर पे बैठे, किसी भी अवस्था में हो आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे हम इसी सिद्ध योग महायोग के विषय में चर्चा करते हैं, हम सब गुरु भाई बहन, और जो नए जुड़ते हैं उनके लिए ये सत्संग जो है बहुत ही प्रेरणादायक होता है, जानकारी देता है कि आखिर है ये क्या, ये दिव्य और अद्भुत योग है क्या। तो इसीलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहती है कि सभी लोग, सभी गुरु भाई बहन, चाहे पुराने हो चुके हों या नए हों, सभी लोग मंच पे आए और गुरुदेव के
विषय में गुरुदेव के लिए हमारे दो दिव्य वर्ण शब्द जरूर रखे इस मंच पे। तो चलिए इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, उनका चरणों का आशीर्वाद लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन, हमारे मोबाइल में हैंड रेस का ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक करके आप इस मंच पे अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभवों और अनुभूतियों को रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। गुरु सत्ता से जुड़ना हमारे लिए परम परम सौभाग्यशाली वो दिन होता है, वो क्षण होता है जिस दिन हम गुरु के शरण में आते हैं, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़ा है। ईश्वर भी गुरु की ही शरण में जाते हैं, तभी वो अपनी बात कह पाते हैं। इस मानव जगत में, इस पृथ्वी पर ईश्वर भी अपनी बात को कहने के लिए गुरु के ही रूप में आते हैं। इसलिए हमें गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए, गुरु के ध्यान में, गुरु की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और ऐसे गुरु जो कि समर्थ गुरु हैं, जिनको ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, इन गुरु की शरण में हमें जरूर आए, सभी लोग आए और अपने दिव्य अनुभवों को इस मंच पे शेयर करें। गुरु तो वो है, कहते हैं कि गुरु ही धर्म पिपासु की आंखें खोलने वाले होते हैं। जो धर्म को जानने के लिए लोग ललायत होते हैं, उनकी आंखें गुरु के ही द्वारा खुलती हैं कि एक्चुअल में धर्म है क्या। अतः गुरु के साथ हमारा संबंध जो होता है वो ऐसा संबंध होता है जैसा कि हमारे पूर्वजों के साथ हमारे उनके वंशज का रहता है। गुरु के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए, विनय और आदर रखना चाहिए। अगर हम इस भाव में नहीं हैं, तो हम इस साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अपने गुरु के प्रति बहुत ही विश्वास और निष्ठा रखनी है। और जो दो ड्यूटी हमें गुरुदेव ने दी है, बस हमें वही करनी है। गुरुदेव ने फरमाया भी है कि आप केवल मंत्र जाप, सघन मंत्र जाप करो और ध्यान करो, उसके आगे की ड्यूटी हमारी है। इसलिए हम सारी चिंताएं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं और बस अपनी यही दो ड्यूटी रखें और इसी को अपने मन में, मस्तिष्क में रखें कि हमें केवल यही दो ड्यूटी करनी है, बाकी तो सारे गुरुदेव की चिंता है। हम उन चिंताओं को अपने ऊपर ना लें। बहुत से नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, तो प्लीज मंच पे आए और मंच को साझा करें, अपनी बातों को रखें। सभी लोग ध्यान की अवस्था से बाहर भी आ चुके हैं, ध्यान के अनुभवों को ही रखें इस मंच पे। क्रांति चौधरी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। आप लोग गुरुदेव से जुड़े कैसे, आप बताइए गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ आपका शुरू में? अच्छा, हमारा गुरु बहन? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हम लोग गुरु बहन जुड़े थे 2020 में, नवंबर में जुड़े थे हम लोग। हम चारों ही लोग ही नवंबर में जुड़े थे 2020 में, क्योंकि हम लोग के कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग के साथ थोड़ी सी बिजनेस की प्रॉब्लम थी कि बिजनेस में सभी लोग जानते हैं अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं, तो हम लोग हर दर भटक चुके थे। जितने दर हम लोग भटके हैं, शायद ही कोई दर कोई ही ऐसा रहा होगा जिसने उतने दर को छुआ हो, टच किया हो, ओनली बिजनेस के लिए केवल। तो किसी गुरु, यही सारे नग हम लोग ने, अंगूठियां पहनी, बहुत सारे नग में भी हम लोगों ने खर्चा किया और सारे मंदिरों में हम लोग जाते थे, हर वीक जाते थे, हर डे जाते थे। हर डे के अलग अलग भगवान थे, ईश्वर थे। सोमवार को शंकर जी, मंगल को
हनुमान जी, बुद्ध को गणेश जी, तो सारे कोई भी हम लोग का जो था डे नहीं छूटता था मंदिर में जाने के लिए। और पूजा पाठ तो अलग से चलती थी, मैं नवरात्र रहती थी 9 दिन के, पूरी श्रद्धा से रहती थी, 9 दिन के कलश रखना, 9 दिन के लिए पाठ करना, ये सब करती थी मैं। बाकी हमारे हस्बैंड ने नग में बहुत खर्चा किया, हम लोगों ने नग, सभी ने नग पहने, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। जैसा गुरुदेव फरमाते हैं कि धर्म वो नहीं है जिसमें कोई रिजल्ट ही ना मिले, तो वही चीज हुई कि कोई रिजल्ट नहीं मिला। थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक खुशी मिली कि हाँ कुछ हुआ काम, लेकिन फिर वही स्थिति हो जाती थी हम लोगों की। बहुत हम लोग परेशान हो चुके थे कि सब चीजों से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि जो हमारे हस्बैंड थे वो गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे, उसकी भी उन्होंने बहुत आराधना करी थी, लेकिन उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं उनको मिला। तो वो भी उनसे आराधना फिर छूट गई धीरे धीरे, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स भी थे कि आप जनेऊ पहनिए, जनेऊ का भी पालन करना पड़ता था, तो वो नहीं हो पाया। मैं भी जुड़ी थी लेकिन मैंने दीक्षा वहां से नहीं ली थी, क्योंकि मुझे इतने रूल्स में मैं शायद नहीं फंस के कोई आराधना कर पाती कि इतना, क्योंकि वहां पे लेडीज को भी जनेऊ पहनना होता था और 3 माला शाम 3 माला सुबह करनी, ये बड़ा टिपिकल वर्क था, और नहा धो के आपको बैठना है, बड़ा ही ज्यादा वहां पे उनका कर्म कांड था। तो मैं तो नहीं जुड़ी, मेरे हस्बैंड रहे, लेकिन वो भी कुछ समय बाद वो भी छूट गया सब हम लोगों का। फिर हम लोग ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने काफी लाखों रुपए के नग पहनाए, नहीं फर्क पड़ा। उसके बाद लास्ट में एक हमारे यहाँ कैमरा लगाने आया, सीसी कैमरा, उसने जो बताया कि आप एक ज्योतिषी मिलिए, हो सकता आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मन तो नहीं था, लेकिन करता ना क्या करता, चलो इनको भी एक बार देख लेते हैं। उनको भी देखा, उन्होंने भी वही नग पहना है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। फिर हम लोग ने, उन्होंने वो पूछते थे कोई रिजल्ट हुआ आपको, तो हम लोगों ने कहा नहीं कोई रिजल्ट नहीं ऐसा आया। तब उन्होंने लास्ट में, उन्हीं ने, क्योंकि वो गुरु भाई जुड़े भी हुए थे गुरुदेव से, तब उन्होंने कहा अच्छा आप गुरु को मानते हैं। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि हाँ हम गुरु को जानते हैं, लेकिन गुरु अब मत बताइए, हम गुरु से भी जुड़ चुके हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं आता है। घर में चर्चा हुई गुरु के बारे में, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि मुझे तो वही गायत्री परिवार याद आ जाता था कि गुरु से जुड़ने पे तो बड़े कर्मकांड करने पड़ेंगे, लेकिन कोई रिजल्ट तो तब भी नहीं मिला था। लेकिन थोड़ा हमारा बेटा, एक छोटा बेटा है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, उसने कहा नहीं कि गुरु के बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, पापा एक बार आप उनकी बात सुन के देखिए, हो सकता है कोई ऐसे गुरु बताना चाह रहे हो। तो देखिए गुरुदेव की कृपा क्या होती है। फिर भी हम लोग जो है मन, अनमने मन से उनके यहाँ गए और गुरुदेव के बारे में सुनते रहे। मैं भी बैठी थी तो वो गुरुदेव के बारे में बता रहे थे कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, उनको ऐसी सिद्धियां हैं, 2 सिद्धियां हैं, साक्षात ईश्वर हैं। मैं सुन रही थी, जब उन्होंने कहा, मैंने उनसे तुरंत पूछा कि इस विधा में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है? कह नहीं, आपको बस 2 टाइम मन ध्यान करना है, मेडिटेशन, एक मंत्र हम सुनाएंगे गुरुदेव की वाणी में जब आप दीक्षा लेंगी, और आपको 24 घंटे उस मंत्र को जब याद करना है। हमका बहुत बढ़िया। हमने कहा और बाकी नहाना धोना, सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठना? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप रहती हैं एज इट इज वैसे ही रहिएगा, जैसे आप अपने डेली रूटीन में रहती हैं, आपको कुछ ना छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। हमने कहा ये तो सबसे अच्छी विधा है। थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया कि हाँ चलिए ठीक है। मेरे हस्बैंड तुरंत तैयार हो गए। तो मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे बेटे ने जो थी उनकी बात सुन के, दूसरे दिन ही उन्होंने कहा कि आप कौन दीक्षा दे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो नहीं कि मेरे हस्बैंड और छोटे बेटे ने दीक्षा उनसे ले ली, मैं भी गई थी साथ में। तो मैंने कुछ योगिक मोमेंट्स देखे अपने बेटे के और इनके, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैं घर पे आई तो मैंने पूछा भी कि बेटे से कि ये जो तुम्हें कुछ हो रहा था, तुम अपने आप ही हो रहे थे या कुछ हो रहा था तुम्हें ऑटोमेटिक? उसने कहा नहीं, ये मम्मी सब ऑटोमेटिक हो रहा था, अब मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने बड़ा आश्चर्य की, एक फोटो केवल देखी और केवल एक मंत्र सुन रहे थे ये लोग, उससे इनको ऐसे हो, इतनी योगिक मोमेंट्स होने लगे। ठीक है, घर आ गए तो मैंने बेटे से कहा भी कि मैं भी क्या ट्राई करूं, मंत्र तो नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा मम्मी आप भी ट्राई करके देखो, क्योंकि मुझे अंदर से जिज्ञासा थी कि ये सब सच है कि नहीं, ऐसा कहीं होता है किसी फोटो से इस तरह का मोमेंट्स होना। मैंने फोटो रखी गुरुदेव की, उनको प्रणाम किया, गुरुदेव से क्षमा भी मांगी कि अभी आपका मैंने मंत्र नहीं लिया है गुरुदेव।
थोड़ा सा मैं आपकी पावर शक्ति को देखना चाहती हूँ कि ये बात सत्य है कि नहीं। और गुरु बहन मैं बैठी, एक ही मिनट हुआ होगा मैंने गुरुदेव की फोटो को देखा और तुरंत मैं कुंडलिनी बिना मंत्र ही सुने हुए एक्टिव होके वो मैं पीछे की तरफ बहुत तेजी से जाने लगी। मैं घबरा गई, मैं रुक गई वहीं पे। मैंने कहा मान लिया गुरुदेव को, मैंने प्रणाम किया कि है आपके अंदर पावर है। और फिर मैंने मूड बनाया और उसके बाद मैंने और मेरे बड़े बेटे ने दीक्षा ली 2020 में। तो हम चारों लोग 2020 नवंबर में ही दीक्षित हो गए थे और तब से कंटिन्यूअस हम लोग का ध्यान और मंत्र जाप चल रहा है। एक दिन भी गुरुदेव की कृपा से जो ध्यान है वो स्किप नहीं हुआ है, क्योंकि चाहे कैसी भी परिस्थिति आई हो मुझे ध्यान करना है। हम चारों लोग ध्यान कर लेते हैं कि किसी भी तरह टाइम निकाल के, कि चाहे किस कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो मुझे ध्यान करना है। तो इस तरह से हम लोग जुड़े और जब से गुरुदेव से जुड़े सारी समस्याओं का हल हुआ और आगे भी हो रहा है। मतलब इस समय जो हम लोग की कंडीशन है वो इतनी अच्छी है कि चिंताएं नहीं है। हमारे बच्चों को भी रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं और बिजनेस की जो प्रोग्रेस है वो भी अच्छी हो रही है। बाकी जो आगे होना वो भी गुरुदेव ही देखेंगे, गुरुदेव ही कर रहे हैं। अब गुरुदेव से ये प्रार्थना है कि वो अपनी शरण से कभी भी अलग ना करें। अगर कभी भी विचलन आता है, मानव स्वभाव है, तो उस समय भी गुरुदेव हम लोग को या डोरी जो हमारी खींच के रखे हम लोग को कान पकड़ के अपनी तरफ घसीट लें। लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना कि कभी ऐसा विचलन ना। इस तरह से गुरु बहन हम लोग का जुड़ाव हुआ था 2020 में। मतलब जो सीसीटीवी कैमरा जिस व्यक्ति ने लगाया वो गुरु भाई है अपने? नहीं नहीं, वो गुरु भाई नहीं थे गुरु बहन, वो तो मोहम्मदन था। वो तो केवल कैमरा लगाने आया था, चूंकि वो भी मोहम्मदन तो था लेकिन वो हिंदू धर्म में विश्वास रखता था। वो भी नवरात्र रखता था, मोहम्मदन था लेकिन उसके यहाँ नवरात्र की पूजा होती थी। तो इस तरह से वो उन गुरु भाई से जुड़ा था। आपको मतलब किसने बताया फिर? सीसीटीवी कैमरा लगाने आया उसके मालिक ने? नहीं नहीं, वो तो मालिक खुद ही आया था। उसने तो उन ज्योतिषी का नाम लिया था। ज्योतिषी ने बताया आप गुरुदेव के बारे में? हाँ, वो ज्योतिषी हैं, वकील हैं, श्रीवास्तव हैं, गुरु भाई हैं, बनारस के ही हमारे हैं गुरु भाई। गुरु भाई हैं वो, लेकिन पहले उन्होंने ज्योतिषी की ही तरह से हम लोग को ट्रीटमेंट दिया था। अच्छा। बाद में उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया था। अरे वाह, वो कभी नहीं जुड़ते सेशन में? हाँ जी हाँ, इस सेशन में वो नहीं जुड़ते हैं। अच्छा। वो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं। राकेश श्रीवास्तव उनका नाम है, गुरु बहन। अच्छा, राकेश श्रीवास्तव जी क्या? अच्छा अच्छा, उनके तो काफी आते हैं उसमें ग्रुप्स वगैरह में, उनके वो कविताएं आती हैं काफी। हाँ, कविताएं लिखते हैं। अच्छा, जी अच्छा, उन्होंने बताया था आपको? अरे वाह जी, वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा लगा मैडम। मैं सोच रही थी कई बार कि उनका बनारस रहते हैं, आपको मेरे को पीके सिंह जी गुरु भाई ने बताया होगा आपको? नहीं, पीके सिंह जी हाँ, नहीं नहीं, पीके सिंह गुरु भाई से तो बाद में हम लोग की मतलब बात हुई है। इसी सेशन के दौरान जो है उनसे, उनके जो कभी इंटरव्यू आते थे कुछ, तो पहले भी उनके इंटरव्यू देखे थे, उसके दौरान पता चला था कि कोई पीके सिंह है, वो यही बनारस के हैं। तो उनको फोन करके उनसे पूछा गया था कि मैं भी, हम लोग भी बनारस के हैं। इस तरह से पीके सिंह से पता चला था, पीके सिंह से हम लोग की मुलाकात हुई थी। फिर वो अभी तो बनारस आए थे तो फेस टू फेस बहुत ग्रुप बन गया पूरा बनारस में दोस्त का, मतलब गुरुदेव के गुरु भाइयों का पूरा ग्रुप है इसका? हाँ, मतलब हाँ गुरु भाई के, हाँ ग्रुप तो है, गुरु बहन यहाँ पे ग्रुप तो चल रहा है लेकिन एक्टिव पर्सन बहुत कम है यहाँ पे। गुरु बहन, गुरु भाई बहन तो बहुत सारे हैं, नंबर्स में है लेकिन एक्टिव मोड पे बहुत कम है, बहुत ही कम है एक्टिव मोड पे। अब जो यहाँ पे ध्यान केंद्र है बनारस में, उसमें हार्डली जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन हार्डली एक्टिव मोड में 2 या 4 ही लोग हैं बस। अच्छा। हाँ, ग्रेटर नोएडा में जो ध्यान केंद्र है उसमें जो है, वहां के जो लोग हैं, वहां जो गुरु भाई बहन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहां डेली ध्यान होता है, डेली शाम को 4 से 5 लोग डेली आते हैं वहां ध्यान करने के लिए।
जबकि यहाँ का भी अरेंजमेंट, वहाँ की भी व्यवस्था हम लोग ने ऐसी बना रखी है कि यहाँ पे भी डेली लोग आए, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता है। कोई भी फंक्शन जब गुरुदेव का होता है तो स्पेशली सबसे कहना पड़ता है फोन करके कि भाई गुरुदेव का ऐसा है ऐसा है, तो आप लोग को आना जरूरी है। उसमें भी बहुत से लोग बहाने बनाते हैं, आज टाइम नहीं तो आज दूरी, किस तरह का यहाँ का माहौल है। हाँ जी, पीके सिंह जी गुरु भाई ने भी ऑन किया कैमरा। जय गुरुदेव गुरु भाई आप सब दोनों लोगों को। जय गुरुदेव। मई में मैं गया था ना, तो मेरा तो इतना आनंदमय समय बीता है इस साल ना, उसका मैं वर्णन करते आपका फेस नहीं दिख रहा है, कैमरा तो ऑन है आपका क्या? नहीं मैं दिख रहा हूँ, सामने हूँ गुरु भाई। अच्छा तो हमारे इसमें नहीं दिख रहा, दिख रहे हैं। चलिए चलिए बताइए गुरु। हमारा ये देखिए, जैसे ऋचा श्रीवास्तव जी हैं और मेरा परिवार, मतलब ये दो परिवार नहीं एक परिवार हो गया अभी जी। अभी हमारा इनके यहाँ जाना, आपका हमारे यहाँ आना, हमारा आपके घर जाकर खाना खाना, आपका हमारे घर आकर खाना खाना, मतलब ये पल, ये 10 दिन जो हमने रामलाल जी गुरु भाई जी के साथ बिताया था एक सप्ताह, वो मेरे ख्याल से जीवन में तो नहीं भूलेगा जी। बिल्कुल सही बात है, गुरु भाई बहन का जो आपस में प्रेम है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अद्भुत है। भाई जो अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं, जो अपने भाई बहनों के जो रिलेशन होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है ये, उनसे भी ज्यादा बहुत बढ़ के प्यार है आपस में हम गुरु भाई बहनों का। जब हमारी विदाई हो रही थी तो एक दूसरे के आंखों में आंसू थे सबके। बहुत उस दिन खराब लगा था जब आप लोग सब लोग गए हैं, तो बहुत खराब लगा। अब लगता है कि फिर से वो पल जल्दी से आए कि सभी लोग मिले और प्रचार कार्य करें मिलके। पूरा तो ही शेड्यूल है गुरु भानु, मई का मई, फिर अब तो मैं 11 महीने के लिए फिर बुक हो गया हूँ तमिलनाडु में। तो पापी पेट का सवाल है क्या करते हैं। गुरुदेव तो कभी नहीं कहते कि भाई आप काम धंधा अपना छोड़ कर मेरी सेवा करो। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जपो, काम पे लग जाओ और मेरा प्रचार भी करते रहो जैसे समय मिले आपको। हाँ, प्रचार के माध्यम से ही हम लोग जुड़े और हम लोग की डोर तो बंधी हुई है गुरुदेव से, इसलिए सभी लोग जुड़े हुए हैं आपस में। मेरा तो ये प्रयास था कि बनारस में जितने गुरु भाई हैं एक दिन एक मंच के नीचे आए तो वो दिन बहुत अच्छा होगा, देखते हैं वो दिन कब आता है। जी गुरु भाई, सबको हम लोग ये लिंक भेजते हैं, समझाते भी हैं कि लिंक से जुड़िए आप लोग, इस सेशन से जुड़िए, लेकिन अब देखिए जब गुरुदेव की कृपा होगी तभी सब जुड़ाव होता है। जोड़ने वाले गुरुदेव है, करने वाले गुरुदेव है, करवाने वाले गुरुदेव, अब तो बस साधन मात्र है जी। जब एक निष्ठता आ जाएगी तभी कोई आगे बढ़ पाएगा। जी जी बिल्कुल जी। मैं क्रांति गुरुबान से अनुरोध करूंगा, जितने भी संचालक आते हैं गुरुबान मंच को संचालित करते हैं ना, आप सबसे पूछा कीजिए कि आप कब जुड़े कैसे जुड़े। हाँ जी ठीक है, अच्छा लगा मेरा कि मतलब ठीक है आप तो पूछ रहे हैं दूसरे को बुला रहे, लेकिन आप कैसे जुड़े आप अपना बताइए। हाँ। नहीं बहुत रिता जी का तो इन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से बताया है, अच्छा कर रही है मंच बहुत अच्छे तरह से कर रही है। वैसे जीवन में बहुत सारी जितना बताती है ना, सच में गुरुदेव अगर आपके जीवन में नहीं होते तो आपके परिवार में काफी परेशानी थी, अब सारी परेशानी मेरे ख्याल से सब कट चुकी है गुरुदेव की कृपा से। और गुरुबान क्रांति गुरुबान आप इनके घर में चली जाएंगी ना तो घर नहीं दिखता, वो आश्रम दिखता है। उसमें देखते हैं घर की गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई है जी। हाँ जी, और मैं भी इस बार करीब 25-30 पोस्टर फोटोज बनवा कर मैं भी अपने घर ले जाकर लगवा चुका हूँ। अब मेरे घर पे लोग आते तो बोलते पहले तो वही देखते हैं, फोटो ही देखते हैं। सब गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, ये सब बहुत आनंद आ रहा है, बहुत चिंता मुक्त किया है गुरुदेव ने। और मैं जब आने लगा गुरुबहन आपको बताऊं, गुरुदेव की सारी तस्वीर उतार दी बरामदे की और उसको पैक करके अच्छे से कपड़े में लपेट करके संदूक में रख करके आया हूं। अच्छा। क्योंकि नहीं रहूंगा तो चिड़िया पक्षी जानते ही हैं, बस
वो अपने को तो देखा नहीं जा सकता, अपने गुरु का अनादर तो सुन भी नहीं सकते, देखने की बात ही दूर है। सही बात। ऐसे क्रांति जी गुरु बहन से मैं एक बात कहूंगी कि इनके मंच पे रहने से एक मंच एक्टिव लगता है, ये क्वेश्चन भी पूछती हैं बहुत अच्छे और जवाब बहुत बढ़िया देती है। जी एक्टिव में रहना चाहिए मंच पे। जी आज इतना अच्छा लगा कि मैं गुरु भवन को बोला हूँ कि देखिए जो भी आता है ना, आप कभी कभी उनसे पूछ लिया कि ये ठीक है। कितनी बार आप, ये नहीं कि अब रिचार्ज श्रीवास्तव जी ने एक बार बता दिया तो नहीं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर पूछिए कि आप कैसे जुड़ी। कहने का मतलब कि हम भी अपने बारे में बताएं। जी जी, जो नए गुरु भाई बहन डेली जुड़ते हैं हमारे स्टेशन में। संक्षिप्त में मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी संचालक लोग हैं 5 मिनट अपने बारे में बता दें, उसके बाद फिर दूसरे के बारे में पूछे। जी, नहीं, अगली बार गुरु भाई उनसे, अगली बार है ना एम के श्रीवास्तव जी से पूछेंगे। क्योंकि 5 मिनट में मनोहार करने में लग जाता है, बुलाने में लग जाता है मंच पे। अभी सब लोग ध्यान के मोड में ही है लग रहा है। 8:30 कुछ बातें, कुछ बातें ऋचा गुरु बहन से छूट गई होंगी ना, वो बता देंगे ना फिर। थोड़ा डिटेल में बताते हैं हर चीज, हम थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, वो डिटेल में बताते हैं हर चीज। गुरु जी आपका नाम जब मतलब चलता है जैसे गुरुदेव ने बोला उस तरह से, क्या बोली गुरु बहन? जैसे गुरुदेव ने बोला है नाम जप के लिए, उस तरीके से चलता है आपका? हाँ गुरु बहन, नाम जप जब मैं जुड़ी थी तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, नाम जप करती थी, मंत्र ध्यान पे ज्यादा कंसंट्रेशन था, मंत्र जाप पे उतना नहीं था। लेकिन एकदम से कहीं कभी एक बात मुझे क्लिक करी कि मंत्र जाप अगर सघन नहीं होगा तो शायद आगे की यात्रा भी नहीं होगी। वो बहुत ज्यादा मुझे क्लिक कर गई थी एक बात, इस तरह की किसी ने मुझसे कहा, तो मैंने मंत्र को बहुत सघन भी किया। गुरुदेव ने ही करवाया मंत्र, 1-2 घंटे बैठ के डेली मंत्र सघन करवाया। उसके बाद वो मुझे ऐसे मतलब मैं जैसे कि रात में कभी सो उठती थी तो वो मंत्र ऑटोमेटिक चलने लगता था, हर समय वो गूंजता था वो मंत्र। हाँ ये मैंने महसूस किया, ये मुझे महसूस तब हुआ गुरु बहन जब मुझे नाद लगा, तब मुझे महसूस हुआ कि अच्छा वो जो मंत्र हमेशा चलता था वो एजपा था, जो मैं सोचती अच्छा। थी कि हर समय ये अब मुझे बिना सोचे ही क्यों याद आता था, जब आंखें खोलती हूँ तो याद आ जाता है, या वो कंटिन्यूस चलता था, तब मुझे पता चला कि वो एजपा था। अच्छा, तो अब आपको मतलब जैसा आप काम करती हैं उस टाइम नहीं चल पाता है हमसे, उस टाइम ही चलता है आपसे घर का घरेलू काम जब करते हैं? हाँ, शांत रहते हैं, किसी से बोलना होता नहीं है तो उसको जपते रहते हैं हम, तब वो चलता रहता है मन में। और कोशिश तो अब ज्यादा कोशिश रहती है कि नाद को ज्यादा सुने। और आपकी कोई विशेष अनुभूति बताइए, आपकी अनुभूतियां। गुरु बहन ऐसा था कि जब हम जुड़े थे और जब ध्यान करते थे तो उस समय तो कुछ योगिक मोमेंट्स हुए थे हमको, बहुत वैसे तो नहीं हुए थे लेकिन हुए थे, जैसे पीछे जाना, लेट जाना, उसके बाद हाथ जो थे वो ऊपर जाते थे, ऊपर हाथ जो पीछे की तरफ लेटे लेटे वो नमस्कार वाली मुद्रा में होते थे, उसके बाद वो नमस्कार मुद्रा से आगे आते थे और पेट के ऊपर आके वो कमल का फूल जैसा खुल जाते थे हाथ, फिर नीचे जाके कोई और एक मुद्रा लगती थी, वो दोनों हाथों को जोड़ के अंगूठे को बीच में करके कोई एक मुद्रा शायद कोई होती है वो लगती थी। इस तरह का शुरुआत में तो ये हुआ। लेकिन एक जो सही बात है वो ये मैं बताऊंगी कि मुझे अभी तक कोई प्रकाश, जैसे सब लोग बताते अपने अनुभव कि प्रकाश दिखता है या जो है घटनाएं दिखती हैं या दर्शन गुरु देवी देवताओं के जैसे दिखते हैं, तो मैंने पूछा भी कि ये किस तरह से दिखते हैं, इमेजिनेशन होता है या फोटो या आपके जैसे पिक्चर जैसी वैसा दिखता है, तो सबने कहा टीवी की तरह दिखता है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता है और आज तक अभी तक नहीं हुआ। हाँ ये है कि अब जो है सपने में जैसे प्रचार कार्य दिखता है सपने में, लेकिन अभी भी गुरुदेव कभी नहीं दिखे मुझे उसमें सपने में, ना ही मुझे आज्ञा चक्र पे, केवल मैं इमेजिन करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ आज तक ये नहीं दिखाई दिया कोई प्रकाश हुआ या कोई ऐसी अनुभूतियां नहीं हुई। हाँ अनुभूति इस तरह की जरूर है, विजुअलाइजेशन वाली तो नहीं है, लेकिन फील करने वाली अनुभूतियां हैं कि जिस तरह से गुरुदेव ने 2 महीने के अंदर अपने में एक लिस्ट किया
जैसे कि मैं बहुत ही कट्टर थी कि नहीं मैं पूजा ही करूंगी, गुरुदेव भी साथ में चलते रहेंगे, सबसे पहले मेरे प्रथम जो मूर्तियां हैं उनको मैं करूंगी, उन जो पूजा मैं करती आई हूँ वो करूंगी, तो वो जरूर खत्म हो गई चीज। जो 2 महीने के अंदर इतना, जैसे पुरानी कोई मेमोरी डिलीट हो जाती है, वो चीज कर दी गुरुदेव ने। ये अंदर से जो चेंजेस आए हैं, अनुभूतियां तो नहीं हुई लेकिन हाँ जो बदलाव आते हैं वो बहुत आए, बदलाव बहुत जल्दी आ गए, बदलाव 2 महीने के अंदर आ गए। आज ये स्थिति है गुरुदेव की कृपा से कि मुझे गुरुदेव के अलावा, मैं बिल्कुल मन से आपको बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ कि जो गुरुदेव के अलावा अब मुझे किसी भी चीज, कोई चीज दिखाई नहीं देती, हर चीज आडंबर लगती है। इवन मैं अपने बच्चों की शादी के लिए भी सोचती तो मैं सोचती हूँ कि नहीं बस हमारे गुरुदेव ही रहेंगी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मुझे वो सब करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से ये सब, जैसा गुरुदेव फरमाते कि बाहर कुछ नहीं है, बाहरी कुछ नहीं है, वो वास्तव में रियलिटी बिल्कुल समझ में आ गई है। मुझे तो बहुत ही अच्छे से समझा दी गुरुदेव ने, बिल्कुल भी कोई वहम नहीं, कोई डाउट नहीं है मुझे अब अंदर से कि मैं ऐसा करूंगी तो शायद ऐसा ना हो जाए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया। पुरानी जो मेमोरी थी हमारी वो सबसे बिल्कुल गुरुदेव ने हमको बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये बहुत बड़ा चेंजेस गुरुदेव ने किया है। अब गुरुदेव के सिवा कोई नहीं दिखता, सब दिखते हैं कि बस गुरुदेव ही साक्षात भगवान है। और वो उस दिन से भी मुझे फील हुआ, जिस दिन से कुंडलिनी एक्टिव हुई थी तभी से मुझे लगा कि नहीं, जो सब लोग कहते हैं कि गुरुदेव भगवान है, इनके अंदर 2 शक्तियां हैं, साक्षात भगवान है। फिर मैंने विवेकानंद की बुक्स भी पढ़ी, उसमें भी विवेकानंद ने भी बताया है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, वो भी जो है एक शरीर धारण करते हैं जिनको कि हम गुरु कहते हैं। तो इस सबको पढ़ने से, गुरुदेव की कृपा से, ये तो बिल्कुल हो गया, ये चेंजेस तो बिल्कुल हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। गुरुदेव के सिवा कोई नहीं है और गुरुदेव ही सारा काम भी करेंगे और वही कर भी रहे हैं। गुरु बहन बधाई हो, गुरु बहन ऋचा बहन आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके सारे डाउट्स गुरुदेव ने क्लियर कर दिए हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जय गुरुदेव सभी को। क्या है कि काफी समय पहले गुरुदेव ने हमें जोड़ लिया, उसके बावजूद भी आज ये कंडीशन है हमारी कि एकनिष्ठ तो कर दिया प्रभु ने, एकनिष्ठ तो उन्होंने पहले ही दिन कर दिया, पहले ही दिन क्या है कि मैं अपने और पहले जो हमारे गुरु थे उनसे जुड़ी हुई थी, वो भी सिद्ध योगी था उनका भी, तो उनकी क्या हुआ कि उनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ सेशन में, तो उनकी जब फर्स्ट डे गुरुदेव ने कुंडली मातृशक्ति को जगा दिया और डिप्रेशन पेशेंट ही एंटी डिप्रेशन दवाएं खा रही थी, बिना दवाओं की नींद नहीं आती, 3-4 गोलियां लेती थी रात सोते समय। जी आपने बताया था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद क्या है कि उस दिन ऐसी नींद आई ना, जिस दिन पहली बार गुरुदेव के ध्यान पर बैठाया उसके बाद ऐसी नींद आई कि अगर नुकीले पत्थर होते ना, कांटे होते तो उनपे भी मुझे नींद आई, इतनी आनंदमयी नींद आई। तो यही है गुरु बहन। और उसके बाद क्या है, उसके दूसरे ही दिन तो नहीं कर पाई, मायके में थी फिर ससुराल आ गई, तो वहां पर आकर वो जो पहले वाले गुरुओं के जो स्वरूप रखे थे, फोटोज थी मेरे पास, उनको सबको लाल कपड़े में बांधा, अंदर से प्रेरणा हुई, उनको सबको लाल कपड़े में बांधा। और हमारे यहाँ राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट में पांचना डेम आपने नाम सुना हो? अच्छा हाँ जी, पांचना डेम है, काफी बड़ा डेम है। तो उस पांचना डेम में गई थी करौली किसी काम से, तो पांचना डेम में उन तस्वीरों को विसर्जित करके आई, मगर अब आप इन्हीं में विलीन हो जाओ। और मुझे अंदर से यही प्रेरणा हो रही थी कि उनका भी नाम रामलाल जी था, जो पहले वाले गुरु थे उनका भी नाम रामलाल जी था, और उनके भी 2 थे, श्री चंद्रमोहन जी और रामलाल जी। पहले रामलाल जी थे, फिर उनके उनके शिष्य थे चंद्रमोहन जी, और उन चंद्रमोहन जी की और जो आगे की पीढ़ियां उन्होंने हमें दीक्षा दी थी। लेकिन उस दीक्षा से क्या है मैं बताऊं गुरु बहन, कुंडलिनी तो मेरी उस समय भी हल्की फुल्की सरसराट हो गई थी, मतलब हो गई थी। लेकिन क्या उनके द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उससे क्या है, उसको मैंने जब सघनली जपा तो उसमें क्या है कि उसमें मैं डिप्रेस्ड हो गई, डिप्रेशन पेशेंट तो पैसे ही थी, और उस मंत्र से क्या है मैं एकदम डिप्रेशन में आ गई ज्यादा जी, मतलब मुझे वो सहन नहीं हुआ, उसका वेग सहन नहीं हुआ, उसका जो हल्का था हल्का सा, जो हल्का सा उसकी जो मूवमेंट था वो ही मुझे सहन नहीं हुआ आप समझ जी, क्योंकि है ना उनके वो इस समय उनके अंदर वो पावर नहीं थी उन गुरु के अंदर वर्तमान में उस समय,
कि वो उसको कंट्रोल कर पाए, मातृ शक्ति कंट्रोल कर सके जी। हाँ, तो फिर क्या है, मैंने वो मंत्र छोड़ दिया उस दिन। उस दिन के बाद मैंने, जिस दिन मैं दीक्षा लेकर उनकी आई थी गंगापुर सिटी में, दीक्षा ली थी और मैं फिर अपने घर आई थी, तो रास्ते में मैं ट्रेन में बस में जिस भी साधन से आई थी, जबकि आई रात, मतलब शाम तक मैंने रेगुलर, मेरे वो अजपा हो गया एक तरीके से वो मंत्र। अच्छा। लेकिन उस अजपे का ये प्रभाव पड़ा कि वो अनकंट्रोल हो गया मामला। फिर मैंने प्रार्थना करी, मैंने मुझे नहीं चाहिए ये मंत्र, गुरुदेव आप जो भी हो ठीक है, मैं तो पहले ही डिप्रेस्ड हूँ और दोबारा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद वो मामला, फिर मैं, मेरी श्रद्धा उनके प्रति रही, हर छोटे छोटे कार्य में उन्हीं को याद करना, एकनिष्ठ तो मैं उस समय भी थी, कर्मकांड तो बचपन से ही नहीं थी जी, लेकिन ये जब से गुरु श्याग ने शरण में लिया तब से तो फिर ये समझ लिए, वो सारे स्वरूप बांध के लाल कपड़े में और वह पांचना डेम में विसर्जित कर दिए, मगर वाह प्रभु अपने आप इन्हीं में समाहित हो। और आप देखिए, एक बार मैं सिंधु गुफा गई थी, आगरा में उन पुराने वाले गुरु जो थे उनका आश्रम है आगरा में, तो वहां हमारा जाना हुआ, मैं बच्चों को भी ले गई और मेरे हस्बैंड भी थे, क्योंकि हम उस समय बहुत परेशान थे मेरी बीमारी को लेकर, तो जाते थे इस तरह। तो वहां उनकी एक सिद्ध गुफा थी, उसमें उन गुरुदेव ने समाधि ली थी, समाधि थे उस गुफा, तो उस गुफा में लोग बाग जा रहे थे अंदर, मेरी भी उत्सुकता हुई कि गुफा में अंदर दर्शन करने चाहिए। तो गुरुवन, इतनी गर्मी पड़ रही थी, जुलाई का महीना था, उमस भरा समय था वो, और उसमें मैं घुस तो गई, मतलब उसकी सीढ़ियां तो मैं उतर गई दो चार, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ थी, लोग बाग धक्का मुक्की कर रहे थे, कोई क्यू नहीं कुछ नहीं, वैसे ही मतलब अनाथक तरीके से लोग बाग आ जा रहे थे, कुछ निकल रहे थे कुछ घुस रहे थे उस गुफा। हाँ, मुझे तो इतनी घबराहट हो गई, इतनी बेचैनी हो गई, मगर आप क्या करूं, ना तो मैं घर की रही, ना मैं खाट की रही, ना मैं ऊपर रही, ना मैं नीचे रही, ना मैं निकल सकती, ना मैं घुस सकती, अब मुझे बचाओ गुरुदेव, अब मैं उन्हीं गुरुदेव को पुकारू इनकी शरण में, मगर गुरुदेव मुझे बचाओ। तो फिर ऐसा हुआ, फिर अंदर से प्रेरणा हुई कि तेरे लायक ही नहीं है अभी ये स्थान, तेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तू इस गुफा में आ जाए, ये तो बहुत बहुत विलक्षण और बहुत अनुपम गुफा है, अद्वितीय, यहाँ तेरा काम नहीं है अभी, अभी तुझे टाइम लगेगा इस तरह की गुफाओं में आने का। फिर मैं वापस आ गई और फिर थोड़ी घबराहट कम हुई, बेचैनी कम हुई। फिर उसके जस्ट बाद ही, थोड़े दिन बाद ही मुझे गुरुदेव सियाग से जुड़ना हो गया। अब हाँ, एक बात और बता देती हूँ, अभी क्रांति जी गुरु बहन काफी अच्छी जिज्ञासु रही है मंच पर और चलती रहेंगे, तो इन्होंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि आपको किस, मतलब आपको किसने जोड़ा और वो गुरुदेव से दीक्षित है या नहीं, तो मुझे जिस बहन ने जोड़ा, वो मेरी बुआ की बेटी, वो भी अध्यापिका है वर्तमान में, तो उसने मुझे जोड़ा। अब वो भी एक्चुअली नहीं जानती थी गुरुदेव के बारे में, लेकिन अब मजे की बात तो ये है कि उसने मुझे गुरुदेव का रास्ता बता तो दिया, लेकिन वो आप पता क्या करती है, वो जो मैं जिनको बताती हूँ ना उनको खींचने की कोशिश करती है, वो दूसरे गुरुदेव से जुड़ी हुई। आपने अच्छा। नाम सुना हो तो मथुरा में जय गुरुदेव टाटधारी, जिन्होंने एक बार टाट पहना रखा लोगों, उन्हीं से दीक्षित है और उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो वो क्या करती है, जैसे मेरी भाभियां हैं वो मेरे माध्यम से दीक्षित हो गई गुरुदेव से, तो वो क्या करती है, जैसे हमारे घर आती है, पड़ोस में रहती है वो, वहाँ पियर में, तो आती है तो कहती है अब तुमने इसके गुरु का बहुत कर लिया, अब तुम मेरे गुरु से जुड़ जाओ। अच्छा। इस तरह से वो कहती है भाभियों को, लेकिन गुरु से आप तो अपने आप में अनुपम, इनका योग है और अनुपम सिद्धि है इनके पास, तो ये कहाँ जाने दे अपने शिष्य को, कहीं वो तो ईश्वर है, हमारे गुरुदेव तो साक्षात ईश्वर है, उनके लिए तो कुछ कहना ही, किसी से तुलना करना ही बेकार है। हाँ, तो गुरु बहन वो, और उसको मैं कहती हूँ, उसको डांटती हूँ, तेरा सब्र नहीं है क्या, तूने मुझे ऐसे रास्ते पे पहुंचा दिया और तू खुद पागल हुई बैठी है, इन्हीं का करना ध्यान जिनका तूने मुझे रास्ता बताया, कह रहे अरे वक्त आने पर कर लूंगी, मेरे समझ में नहीं आता तेरे गुरु का, मगर ठीक तूने मुझे तो जोड़ दिया और खुद बेवकूफ बन के बैठी है, पर ये वही बात है ना, उनका समय आएगा तब। और बात रास्ता सब एक ही बताते हैं, उनके अंदर भी सिद्धियां थी, जय गुरुदेव जो टाड़धारी थे उनके अंदर भी थी सिद्धियां, लेकिन वही बात है ना कि आनंदमय चित्तमय और उन कोशों को वो जागृत नहीं कर पाए, हर आदमी की बस की नहीं है उसी आदमी की तरह, तो यही है कि आ जाएंगे वो धीरे धीरे जाएंगे, कहा मंत्र दीक्षित तो वो हो ही गए, उन्हीं के घर पे सबसे पहले मातृशक्ति मेरी जागी थी, उन्हीं के घर पे ले गए गुरुदेव मुझे, बिल्कुल दोपहर का टाइम था, गुरुवार था, उन्हीं के घर पे ले गए। अब आप सोचिए उनका घर तो कितना पवित्र, कितनी वाइब्रेशन वहां एक्टिव हो गई होंगी, तो वो तो आने आने एक दिन टाइम पर उनकी आगोश में गुरुदेव की चरण। अभी आपने जो जिक्र किया गुरुदेव का, मथुरा वाले गुरुदेव का, तो हम लोग के अभी बहुत से लोग जो हैं जो जुड़े हुए हैं उनसे,
लेकिन अभी जनवरी को हम लोगों ने, 1 जनवरी को गुरुदेव ने हम लोगों का से कार्यक्रम करवाया था, तो उन्होंने अपने घर पे ही रखा था क्योंकि उनके यहाँ कुछ परेशानियां थी और सारे फैमिली जो है वो इन गुरुदेव से जुड़ी हुई है, मथुरा वाले गुरुदेव से। तो उनकी भाभी थी, उनको काफी परेशानी है क्योंकि उनको शायद ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, तो वो उठ भी नहीं पाती थी चारपाई से, खाना पीना तो दूर, नींद भी नहीं आती थी, उठ भी नहीं पाती थी। तो हम लोगों ने जनवरी में वहां पे गुरुदेव का एक कार्यक्रम रखा था, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअस ध्यान किया और आज स्थिति वो है उनकी भाभी की कि वो हमारे यहाँ ध्यान कार्यक्रम में अपने पैरों से चल के आती है। जी जी, तो उनको भी गुरुदेव की शक्ति का एहसास हुआ, जबकि वो लोग पहले से गुरु से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भी माना कि नहीं, आपके गुरु में कुछ तो बात है। और उन लोगों को रात में नींद नहीं आती थी, कुछ डरावने सपने भी आते थे, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम हुआ था गुरुदेव का, उस दिन जब उन्होंने अपने घर में तस्वीर टांगी, उस दिन से आराम से वो सो भी रहे, सभी को बड़ा आराम है। अब सभी लोग जो है अपने ही गुरुदेव का ध्यान करते हैं। गुरुबेन, वो जो मेरी बहन है ना, जिसने मुझे माध्यम बनी मेरे लिए, वो मानती तो है चीज को, वो मानती है क्योंकि मेरी कंडीशन देखती है ना वर्तमान में कि क्या थी क्या हो गई, तो उसके बाद से वो मानती भी है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसा मकड़ जाल है कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, अभी समय का प्रभाव है शायद, कुछ समय नहीं आया। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, उनके जो गुरुदेव है जय गुरुदेव, मैं उनके आश्रम में भी जा चुकी हूँ। मेरे बुआ जी फूफा जी, उनके जो माता पिता, वो मेरी बहन के माता पिता, मेरे बुआ जी फूफा जी है, वो बहुत पहले से जुड़े हुए थे गुरुदेव से, तो वो जय गुरुदेव से। तो वो मैं जब बहुत छोटी थी, छोटी क्या, सीनियर क्लास में आई हुई थी उस समय मैं, है ना, तो उस समय बुआ जी फूफा जी वहाँ जय गुरुदेव के कार्यक्रम में जा रहे थे मथुरा, तो हमारे घर रुके थे रात को। तो उन्होंने ऐसे ही बातें बातों में कहा कि तुम चलोगी, मेरे को बहुत स्नेह करते थे वो, तो तुम चलोगी? मैंने कहा फूफा जी मम्मी अगर यस कर देंगी तो चल चलूंगी, तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो जाओ, तो मैं उनके साथ गई। तो आप देखिए वहां भी मुझे बड़ा आनंद आया, मतलब मैं काफी, मैं गुरुदेव से तो पता नहीं, गुरुदेव मुझे बहुत प्रोसेस के बाद लाए अपने शरण। अच्छा। काफी मतलब सिद्धों के दर्शन करवाए गुरुदेव ने मुझे, बहुत सारे सिद्धों के दर्शन करवाए पहले, जो निचले स्तर के जो सिद्ध पुरुष थे उनके बहुतों के दर्शन करवाए गुरुदेव ने। तो वहाँ आश्रम में हम लोग 4-5 दिन रुके थे और वहां हमने कार सेवा देते थे वो लोग, ये कार्यक्रम वहां आश्रम बन रहा था, निर्माणाधीन था, तो वो तगारियों से परातों से मिट्टी डालना करना, वो सारा कुछ भी, लंगरों में खाना, इस तरह का बड़ा आनंद आया वहां भी। तो ये सारी चीजें गुरुदेव ने काफी प्रोसेस से गुजार गुजार के, और गुरुबेन आपका भी इस मंच पर मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपका ही उस दिन मैं क्या एक मीटिंग में थी, एक प्रशिक्षण चल रहा था हमारे टीचर्स का दूसरे। नहीं गुरुबेन, हमारा कोई आभार नहीं है। देखिए गुरुदेव को आपको लाना था इस मंच पे कि आपकी बातों से, आपके अनुभवों से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो हम लोग एक माध्यम बन जाते हैं, आप भी किसी की माध्यम बनी होंगी कि इस मंच पे लोग आए हैं। तो गुरुबेन उस समय क्या है कि मैं उस प्रशिक्षण में थी और आपका कॉल आया तो मैं फोन लेकर बाहर आई, मेरी अनोन नंबर है, वैसे अनोन नंबर को क्या है हम लोग काट देते हैं कि चलो अपन प्रशिक्षण में है, लेकिन उस दिन गुरुदेव की मर्जी थी कि वो आपका फोन उठवाना था, तो बाहर लेकर आई, आपसे घंटों बातें की मैंने, और फिर आपने ही मुझे आपके माध्यम से गुरुदेव ने मुझे मोटिवेट किया कि आप इस सेशन से, तो रामलाल जी भाई साहब भी पहले कई बार हमें मोटिवेट कर चुके हैं, और हमारी जो रजनी भाभी हैं इस सेशन से जुड़ती हैं, उन्होंने भी हमें कई बार मोटिवेट किया कि दीदी आप इस सेशन ज्वाइन करो। लेकिन पता नहीं, मैं सोचती थी मैं इस लायक ही नहीं हूँ, अभी इस सेशन के लायक नहीं हूँ शायद गुरुदेव, इसलिए नहीं मुझे सेशन ज्वाइन करा। आपको एक सशक्त माध्यम बनाया गुरुदेव ने, बहुत अच्छा सशक्त माध्यम बनाया, और उस दिन के बाद तो मैं बड़ी, उस दिन तो मैंने कहा आज तो मुझे जुड़ना ही है, और बेटी ने भी मेरा सहयोग किया, उसने भी ये सेशन खोलने बोलने में तकनीकी कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं खोल पा रही थी, तो बेटी ने फटाक से ऑन किया इसको और मैं जुड़ी और अपने अनुभव से। अच्छा लगता है गुरु बहन, अच्छा लगता है, कुछ लोग को एक्टिव उसमें रहना चाहिए। और कितना परिवर्तन आ गया, कितना रूपांतरण हो गया, जिस दिन मैं पहली बार मंच पे बोली मैं घबरा रही थी, शब्दों को खा रही थी, बीच बीच में पूरी तरह से नहीं बोल पा रही थी, आज तो धारा प्रवाह, कितना ही बुलवा लो, घंटों बुलवा लो गुरुदेव की बात। सभी के साथ गुरु बहन ऐसा ही होता है, मैं भी मन संचालन करने में बहुत घबरा रही थी, रंगलाल भाई साहब ने जब मुझसे कहा था तो मैंने कहा जब कृपा होगी, मैं भी टाल रही थी जब कृपा होगी तब होगा, लेकिन एक दिन अचानक बैठ गई और गुरुदेव का नाम लेके ही बैठे और गुरुदेव अब करा रहे हैं। अब इतना अच्छा लगता है संचालन करने में कि उसका आनंद ही अलग है।
अब गुरु बहन क्या है कि डाउट्स तो अभी हमारे पूर्णतः क्लियर नहीं हुए हैं कि बीच बीच में दे जाते झपट्टा, कई बार वो मार देते झपट्टा, लेकिन ये कि आप पहले ज्यादा दिनों तक डाउट्स रहते थे, अब क्षणिक होते हैं, 15 मिनट 10-20 मिनट इस तरह के रहते हैं, बाकी पॉजिटिविटी फिर से आ जाती है। और आपको गुरु गुरुदेव बहुत विशेष अच्छे स्तर पर रूपांतरण कर रहे हैं और करने वाले हैं। बस गुरु बहन इतना ही बोलूंगी, अब आगे और भी साधक क्यों में है उनको लीजिए आप। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, सबको बहुत 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 अच्छा लगा गुरु बहन, बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। चलिए और भी गुरु भाई बहन निसंकोच इस मंच पे पधारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज मैं कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बस गुरु भाई की बातें सुन रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था जी। तो इसमें 2-3 विषय मैं रखना चाह रहा था। तो कुछ दिनों से समरी बनाने का मुझे अवसर प्राप्त मिल हो रहा है यूट्यूब के लिए, तो मैंने देखा मनोरमा गुरु बहन और आप में मतलब बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं, हमसे भी मतलब मुझसे भी बहुत बेहतर आपका रहता है कोऑर्डिनेशन, तो इसके लिए मैं गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ है। हाँ, बड़ा आनंद आ रहा है जी। जी गुरु बहन क्या कह रहे हैं? ये संचालन करने में गुरु भाई बड़ा आनंद आता है अब तो, मन संचालन करने में। जी मैं समझ सकता हूँ, दरअसल हम जो सुनते हैं उनमें तो मतलब जब गुरुदेव की बातें होती है तभी गुरुदेव मन में आते हैं, लेकिन जो मन संचालक होते हैं उनके पूरे मतलब जब तक सेशन चलता है गुरुदेव उनके ख्यालों में बड़ा सघन रहते हैं, गुरुदेव ही बोलते हैं इस पे जो मुझे पहले हुआ है। जी जी। तो दूसरा जो गुरु बहन अभी बात कर रहे थे कि जो हमारा वैसे हम और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी और देवी देवता के बारे में बचने की प्रयास करते हैं इस मंच पे या और कहीं भी, सिर्फ हम गुरुदेव की बातें, गुरुदेव से लिखे हुए लेख और गुरुदेव के स्पीच उन्हीं पे ज्यादा हम फोकस करते हैं, परंतु जैसे गुरु बहन ने बताया कि इस तरह था, तो मेरे साथ भी काफी इस तरह के मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले काफी घटनाएं हुई थी, एक दो बार मैंने मंच पे भी साझा किया है। मैं दरअसल यहाँ पे एक मुख्य बिंदु को थोड़ा फोकस करना चाह रहा था, वो ये कि मैं मतलब कुछ दिन पहले तक ये मेरे एक परिवर्तन समझो या पता नहीं क्या है मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं पहले गुरुदेव को कई बार पुष्प चढ़ा देता था, तो वो फिर मुझे लगता था अरे यार ये तो बहुत दिव्य हो गए हैं, इनको तो नदी में बहाना पड़ेगा या कहीं हवा में उड़ाना पड़ेगा, तो इस तरह के मन में बड़े अजीबोगरीब रहते थे। अच्छा। परंतु अभी मेरे साथ ये सब चीजें बहुत, हालांकि काफी समय हो गया इन सब चीजों को खत्म हुए, परंतु जैसे गुरु बहन ने एक लाइन बोली थी तो उस संदर्भ में मुझे भी याद आया कि ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो अभी मैं गुरुदेव को कभी कुछ चढ़ाना भी होता है तो उसको एकदम चढ़ाने के बाद हमारा साइड में प्लॉट खाली है उसमें ही हम छोड़ देते हैं, सब गुरुदेव का ही है। तो इसमें कोई देखिए मैं यहाँ पे ये बिंदु थोड़ा मतलब बताना चाह रहा था कि जो मैटर है उसको मैटर की तरफ ही देखिए, देखना चाहिए हमें, स्प्रिट अलग है। स्प्रिट को स्प्रिट की तरह मतलब आप अपना समर्पण डिवाइड मत कीजिए उन फूलों में और गुरुदेव में। तो ये मतलब ये थोड़ा गहराई से समझने का बात है, परंतु गुरुदेव ही समझाते हैं, लेकिन मुझे जो महसूस होता है वो मैं आप सभी के लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, हालांकि आप में से सभी लोग अलग अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, परंतु जैसे देवी देवता हैं या और कोई मूर्तियां हैं या और कोई मतलब कुछ भी चीज है वो सब मैटर ही है, वो सब बराबर है, उसमें मेरी व्यक्तिगत रूप से कोई भावना नहीं रहती है, वो एक निर्जीव वस्तु की तरह ही रहता है मेरे लिए। अजीव तो सिर्फ एक गुरुदेव ही है, बाकी सब तो निर्जीव ही है। तो हालांकि वो देवी देवता और जो भी चीजें हैं
ये गलत नहीं है, गुरुदेव ने भी कभी इनको गलत नहीं कहा। गुरुदेव भी कहते हैं कि वेस्ट वाले हमारे को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं पहले सगुण से निकलोगे तभी तो निर्गुण में पहुंचोगे। जी जी। तो जो गुरुदेव से नहीं जुड़े हैं या जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के आरंभिक स्तर पे हैं, उन सभी के लिए उन सभी वस्तुओं का, तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का, इन सब का महत्व है। परंतु हमारे लिए इन सब का कोई महत्व नहीं है। कभी कोई हमें मूर्ति भी बहानी हो तो मैं तो सड़क पे रख के आ जाऊंगा, मतलब ऐसा मेरा कुछ, अगर ऐसा कोई अवसर आता है कि घर वाले बोले कि अब ये खंडित हो गई है या टूट गई है, इसको नदी में बहा दो, तो मैं उसको सड़क पे छोड़ दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो समर्पण वाली बात होती है उसमें हमें एक निष्ठा धीरे धीरे और गूढ़ करनी चाहिए। वैसे गुरु की कृपा से ही संभव होता है, परंतु ये एक मेरा अनुभव मैंने साझा किया आप सभी के साथ। गुरु की कृपा से ही होता है गुरु भाई, ये तो सब वही करवाते हैं एकनिष्ठ और वही समझाते हैं कि मैं क्या हूँ। हाँ जी, एक और निवेदन मैं करना चाह रहा था। जैसा कि मैंने बताया कुछ समय से गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं समरी बनाने का, तो मैंने काफी वीडियोस देखे हैं। तो सभी से निवेदन करेंगे कि जो हम बात कोई अपना गुरुदेव का बताना चाहते हैं या अनुभव बताना चाहते हैं तो उसका बैकग्राउंड संक्षिप्त रखना चाहिए हमें, अपने परिवार की या अपने पड़ोसियों की या अपने मोहल्ले वालों की। इतनी बातें जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको संक्षेप में एक बैकग्राउंड बता के हमें मेन बात पे और व्यक्तिगत बातों पे कम फोकस करना चाहिए। हमें ऐसी बातें इस मंच पे ज्यादा साझा करनी चाहिए जो सभी के लिए लाभदायक हो और जिसको बाद में भी लोग सुन के आनंदित हों और उनको गुरुदेव के प्रति प्रेरणा मिले। चलिए, सही कह रहे हैं आप। हाँ, पर्सनल बातें हम आफ्टर सेशन कर ले, हमें इस मंच पे, क्योंकि हमारा ये गुरुदेव का मंच है तो गुरुदेव से ही संबंधित, सिद्धियों से संबंधित रिलेटेड ही बातें हम करें इस मंच पे। जी, जय गुरुदेव सभी को। चलिए, बहुत सुंदर रखी आपने अनुभव गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु भाई। जय गुरुदेव। चलिए, और भी गुरु भाई बहन आए और कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं इस सत्संग में के लिए, इस मंच के लिए, तो वो भी रखें अपने सुझाव, क्योंकि ये मंच सभी का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का ये मंच नहीं है। जैसा कि अभी पंकज जी गुरु भाई ने अपने अनुभव भी रखे और अपने सुझाव भी रखे, इस तरह से और भी लोग अगर कोई बात कुछ कहना चाहते हैं कि किसी को कुछ इस मंच से पे डाउट है या कोई अपनी चीजें ऐसी रखना चाहता है, जिज्ञासा रखना चाहता है या सुझाव देना चाहता है, तो वो भी आमंत्रित है इस मंच पे। आजकल अनूप सोनी जी भी जुड़ रहे हैं, गुरु भाई आ चुके हैं, हिंगू जी, अनूप सोनी जी भी इस मंच पे जुड़ रहे हैं आजकल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम कहाँ जुड़ रहे हैं, जोड़ने वाला तो कोई और ही है। आपका सिस्टम तो कोई और ही चला रहा है गुरु भाई। अपना सिस्टम अपने हाथ में नहीं है ना। जी गुरु भाई, कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम तो उसी के पास है, हम तो सिर्फ माध्यम है। जी, जो उसने बना दिया सिर्फ उसी को ही चला रहे हैं। जी, आज की कोई अनुभूति है गुरु भाई आपकी? हाँ जी, आज की कोई गुरु भाई आपकी अनुभूति हो तो सुनाइए, या और भी कोई अनुभूति हो तो सुनाइए। बस अनुभूति तो क्या है, सिर्फ जो वो मूवी दिखाना चाहते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, जो और क्या है, ध्यान तो जस्ट मूवी टाइप का ही मान के चलो आप इसको। गुरु भाई, जो भी दिखाना चाहेंगे आंख बंद करके देखते रहो, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर सकते उसमें। जी गुरु भाई, जितना करंट वो छोड़ेंगे उतना करंट अपन ग्रहण कर लेंगे, जो चीज दिखाना चाहेंगे वो देख लेंगे, जो उनकी इच्छा कुछ और बतानी होगी तो वो बता देंगे, क्योंकि अपना तो सिंपल सा फंडा है, मौज लेनी है।
मौज लेनी बोझ नहीं जी सारी चिंता बोझ नहीं लेना है बोझ बोझ लेने के लिए तो दो बंदे बिठा रखे हैं ऑलरेडी गुरुदेव और दादा गुरुदेव जी गुरु भाई गुरु भाई आपकी फैमिली में भी सभी लोग जुड़े हुए हैं या आप ही केवल जुड़े हैं गुरुदेव से तो धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे अपने को किसी को नहीं कहना भी जुड़ जा अच्छा मतलब अभी आप ही सानिध्य में है गुरुदेव के अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया क्योंकि चाहे ए छोटी ए लिख लो या बड़ा ए लिख लो मतलब तो एक ही निकलेगा अर्थ तो उसका ए का ए ही बनेगा चाहे उसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो इसी तरह इसमें चाहे वो हनुमान जी को याद करते हैं चाहे वो माता जी को याद करते हैं चाहे मैं गुरु जी को याद कर रहा हूँ ट्रांसफर तो एक ही है बिजली तो एक ही खंबे से आ रही है नाम अलग अलग हो सकते हैं तार अलग हो सकते हैं लेकिन करंट तो वही है और जो वो करंट देगा वो मजे से देगा क्योंकि हर एक सिस्टम उसी के अधीन है जिसको उन्होंने ईश्वरीय व्यवस्था कहा है उस ईश्वरीय व्यवस्था के सब अधीन है स्वयं गुरुदेव भी उसी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन थे तभी वो बाबा गंगाईनाथ जी के पास पहुंचे क्योंकि ईश्वरीय कारण था उसके पीछे और हमारे पीछे भी ये ईश्वरीय कारण ही हैं जिसके थ्रू हम अब कनेक्टेड हैं क्योंकि कोई 4G का यूज कर रहा है कोई 2G का कर रहा है कोई 3G का कर रहा है लेकिन हम जिस टावर से कनेक्टेड है वो 100G से ऊपर की चीज है जी उसको क्या है सिर्फ एक बार सोचना है वो अपने आप क्लिक होके काम शुरू कर देता है जी कहीं कुछ टच भी नहीं करना सिर्फ अंदर अंदर के सिस्टम के कीबोर्ड का यूं कह भी चल स्टार्ट अपने आप स्टार्ट कर देता है ना तो हम उसको ऑफ कर सकते क्योंकि अपने अपने अंदर तो कुछ ही नहीं क्योंकि उन्होंने कहा है जब से नाम तुमने नाम ले लिया उसके बाद में तुम्हारा काम खत्म खत्म जे मेरे अंदर कोई पावर है तो काम शुरू हो जाएगा उसी टाइम से ना तो तुमको 10 दिन इंतजार करना ना तुमको 10 मिनट ना 10 सेकंड क्योंकि जो उनके गुरु ने उनको दे दिया वो यूनिक चीज दी है उनको और उस यूनिक चीज के को ही हम यूज करने लग रहे हैं हम कोई अलग से नहीं कर रहे भी कुछ दे किसी से कुछ ले नहीं रहे ना उन्होंने कुछ जब उन्होंने कुछ नहीं लिया तो हम लेने वाले हैं कौन क्योंकि उन्होंने तो क्लियर कट कहा था ना मैं लोहा सोना दे के लोहा क्यों मोल लूं जी क्योंकि राम तो बिकने वाली चीज नहीं है और जो उसने मेरे को दिया है वो ही मैं आगे बांटना और उसकी परमिशन के बिना तो मैं बांट भी नहीं पाया जब उसने अलाउ किया उसके बाद में ये बांटने निकले हैं और जिस तरह बांटना है कैसे बांटना है वो भी अपने पास कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अगर उन्होंने बंटवाना होगा तो अपने आप बुला लेंगे या आपके पास बंदा भेज देंगे या आपको वहां भिजवा देंगे जी तो सिस्टम तो यही है ये सब परम सत्ता के हाथ में अपने हाथ में तो सिर्फ उसका एक फोटो है और एक मंत्र है इसके अलावा अपने हाथ में कुछ ही नहीं है खुद के सांस भी नहीं है वो सांस भी वही देने लग रहा है भाई एक पहली सांस ली पहला मंत्र ऊपर गया दूसरी सांस ली मंत्र नीचे गया तीसरी सांस ली फिर मंत्र ऊपर गया ये ऊपर नीचे का सफर ही है अपने पास और कुछ नहीं है जी। इसी में मौज है क्योंकि अगर वो मौज देने पे आता है तो मेरे साथ क्या होता है अभी ऑफिस में कई बार बैठे बैठे मैं जब गाने सुनने स्टार्ट कर देता हूँ हिंदी उसमें भी भजन टाइप का सिस्टम बन जाता है आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं साथ वाले कुलीग कहते हैं क्या बात है इतने कौन से गंदे गाने सुनने शुरू कर दिए तेरे आंसू निकल रहे हैं मेरे गाने नहीं मेरा सिस्टम ही अलग कंडी टाइप का चल रहा है मैं क्या बताऊं तेरे को जी
अब जैसे ताल मूवी का था, आजा संवरिया, ताल से ताल मिला, दिल ये बेचैन है रास्ते पे नैन, तो वो सुनते सुनते भी मैं ध्यान लग गया भाई। अच्छा तो यानी कि सुन तो मैं वो गाना लग रहा हूँ, लेकिन याद गुरु जी की याद लग रही उसमें भी। मैं कह आपका ये नहीं, आपका गुरु भाई सिस्टम बिल्कुल यूनिक है। मैं बता रहा हूँ ना, तो कोई भी यानी कि मैं भजन सुनता हूँ या गाने सुनता हूँ, कुछ भी ए टू जेड, यानी इवन गान जो पंजाबी जो आजकल चल रहे हैं भजन या कीर्तन, वो सुनते उसमें भी वही सिस्टम है। जी पुराने मोहम्मद रफी का कोई भी गाना सुनने बैठ जाऊं, उसमें भी गुरुदेव फिट आ जाते हैं। कोई भी, इवन अगर आप इस सेशन में भी कोई भी पुराना गाना सुनोगे ना, या सेशन के बाद भी, तो आपको महसूस होगा भी ये गाना जो है वो गुरुदेव को डेडिकेटेड किया गया है। जी मेरे साथ तो वैसे करार लग रहे हैं भी, सुबह शाम कोई भी उठाया गाना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में मैं, यार ये तो गाना तो उस साइड जान लग रहा है, गाना चलाया तो तूने मस्ती के लिए था, ये तो कीर्तन में घुस गया। जी जी ये सिस्टम भी अच्छा बना रखा है तो गुरु भाई आप ये। बने रहिए, अनुभा जी ने हैंड रेस किया है, आप बने रहिए गुरु भाई। अनुभा जी आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव जय अनु अनु जय गुरुदेव। बस गुरु भाई की जो बात सुनी थी उसमें मुझे हंसी आ गई कि यही सिस्टम वाकई होता है गुरुदेव का। और इन्होंने अभी मोहम्मद, मैं अजीब बातें जब ये बोल रहे थे तो एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैं भी गाने सुनती हूँ और अचानक गुरुदेव ही सुनवाते हैं। और गुरु बहन उसमें क्या अगर होता कोई इशू ना हो तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए। है, गुरु बहन मैं थोड़ा खाना बना रही थी तो थोड़ा रसोई में हूँ, तो गुरु भाई बोल रहे थे तब मैं यही सोची थी, मैंने कहा देखो मैं भी थोड़े दिन पहले गाने सुन रही थी, और मैं गाना भी सुन रही थी मोहम्मद रफी का, वो वाला ना, कब कहाँ कब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, हो उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। तो उसमें मुझे बस गुरुदेव ही याद आ रहे थे, उतने में गुरु भाई ने बोला कि मोहम्मद रफी का आप गाना सुनाइए। तो यही होता है वाकई में, हर गाने में बस गुरुदेव ही गुरुदेव, मतलब कोई प्रेम का गाना हो कुछ भी हो उसमें बस लगता है हाँ बस गुरुदेव ही है बस। और ये मत यही शेयर करना था कि जो गुरु भाई कह रहे हैं ना बिल्कुल सत्य है हाँ ये। हाँ ये इसलिए होता है कि गुरु बहन की हम लोग गुरुदेव में ही खोए हुए हैं और हर चीज बिल्कुल उन्हीं में, गुरु में ही लगती है हम लोगों को, गुरु गुरु बहन, एक्चुअली क्या होता है, जी। सारा प्यार ही उधर ही हो जाता है ना, उन्हीं से प्यार हो हाँ जाता है। तो कोई भी जी प्यार भरा सॉन्ग सुनिए तो उसमें बस गुरुदेव ही नजर आते हैं, वो रोना भी जी उन्हीं के लिए आता है, उन्हीं की याद आती है, हमारा क्या होता है ना हर चीज उन्हीं से जुड़ जाती है। तो गुरु भाई जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल, और गुरु भाई की तो अनुभूतियां सुनने में बहुत आनंद आता है। बहुत ये आनंद आता है। दो तीन दिन से, 2-4 दिन से सुन रही हूँ मैं, जिसको भी मैं अनु गुरु भाई की, तो ये गुरुद्वारे वाली अनुभूति तो शायद रामलाल गुरु भाई भी एक बार शेयर कर चुके हैं बहुत पहले शायद, मुझे जी लगता है। हाँ तो सबको ही बताती है और उनको ही, सबको ही अनुपम लगती है, ये तो सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो भी वो गुरुद्वारे में गुरु भाई के साथ हुआ था, और बहुत ही मजेदार है। बस यही कहना था गुरु बहन, तो मुझे ये लगा कि हाँ, मैंने कहा ये तो होता है, जो गाना हाँ सुनो ये होता है, देवी नजर आता। ये इसलिए भी होता है गुरु बहन की जो गाने बनते हैं, लिरिक्स जो लिखे जाते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पे नहीं लिखे जाते हैं, वो तो जिस सिचुएशन पे है उस मूड पे हमने वो गाने डाल दिए होते हैं, लेकिन जो उनके पीछे भाव छुपा होता है वो हर व्यक्ति अपने अपने जिससे जिसको जिस तरह लगाव है उस तरफ उस गाने को फिट कर लेता है। अब हम लोग गुरु में है, गुरुदेव से ही हर समय हम लोग का लगाव है, हर समय हमें गुरुदेव ही दिखाई देते हैं, इसलिए कोई भी आप गाना सुनिए तो हमें लगता है वो गुरुदेव के लिए ही चल रहा है, वो बिल्कुल बिल्कुल, बस गुरु भाई जिसमें आप डूबा रहता है व्यक्ति उसी को वही दिखाई देता है उन गानों में। जी वही गुरु भाई गुरु बहन, बस यही था। और आप बाकी गुरु भाई से बात कीजिए, उनकी आप बातें बड़ी अद्भुत होती है, तो आप सेशन कंटिन्यू कर दीजिए। थैंक यू गुरुदेव को, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन है तो आए, नहीं तो सेशन का समय भी हो रहा है। इंगू जी गुरु भाई एक बार आ चुके हैं मंच पे। मैं दो शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा, जैसे भाव की बात चली है ना, जी गानों का एक भजन है कि बाबा तेरी कृपा से सांसे मेरी चलती है। ये भजन जब बजाता हूं तो गुरुदेव की तस्वीर के सामने जाते मैं रोने लगता हूं, और सच में ये हकीकत है कि उन्हीं की कृपा से सांस चल रही।
जी जी ऐसे जैसे गाना बजता है शुरुआत की लाइन में भी गुनगुनाता हूँ, लेकिन जैसे गुरुदेव की तस्वीर के सामने जाता हूँ आगे ये मेरी आवाज भारी हो जाती है और मैं रोने लगता हूँ, फिर मैं गा नहीं पाता। जी जी ये गुरु भाई है आज जो गाने पे रखी गई है बातें सेशन में, तो ये है जब हम गुरु के कोई भी भजन सुनते हैं तो वो अलग सा अंदर से एक कुछ उस फीलिंग को हम बयां नहीं कर सकते कि वो अजीब सी एक अनुभूति शुरू हो जाती है और पूरे डूब जाते हैं। और हमारा जो है कुछ, मैं तो ये मानती हूँ कि शायद जो हमारा एजपा लगा, या मैं अपनी व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रही हूँ, तो वो मैं जब जुड़ी थी तो उस समय मैं गुरुदेव के जो भजन नए नए जो भी गुरुदेव के भजन थे उस समय सब वो सुनती थी तो एक अजीब सा खो जाती थी मैं उन भजनों में, मैं अजीब सी लीन हो जाती थी, इतना गुरुदेव के प्रति प्रेम आ जाता था उस समय। शायद वो भी कुछ बात रही होंगी कि वो मंत्र जाप में हमारे बड़ा उसने सहायता करी, ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। आज भी भाव का सब्जेक्ट है। हाँ आपका भाव कैसा है गुरु के प्रति? बस गुरु के भजन सुनते ही वो अलग भाव आ जाते हैं, सब कुछ नजर आते हैं। कोई भी ऐसा गाना होगा, कोई भी ऐसा भजन होगा, गुरुदेव से ही हम लोग जोड़ देते हैं। जी जी तो भाव होना चाहिए अपना। बस चलिए गुरु भाई और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बस इतना ही, बस समय भी हो गया आपका। समय हो गया। इंगू जी गुरु भाई से को मैं आमंत्रित करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय गुरुदेव सभी।